हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड नाउ न्यूज की इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भिवानी केस के बारे में, जिसने मानवता के सारे हद जो है वो पार कर लिया है। गोरक्षा के नाम पर हो रही बर्बरता कितनी सही है कितनी गलत, इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। आज का चर्चा का विषय भी हमारा यही है, और इस विषय में हमारे साथ है जाने माने शिक्षाविद, पॉलिटिकल एनालिस्ट और सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सुनील शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सर, इस पूरे मुद्दे को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि गोरक्षा के नाम पर हो रही है बर्बरता, आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि लाखों करोड़ों लोगों की गाय के प्रति आस्था है, और इसमें कहीं कोई दो राय वाली बात भी नहीं है। मगर मैं आपको इस पूरे प्रकरण के अंदर गांधी को एक कोट करना चाहूंगा। जब गांधी से किसी ने यही प्रश्न पूछा जो आपने अभी भी मुझसे पूछा है, तो गांधी ने उसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। गांधी ने कहा कि गाय को बचाने के लिए अगर मुझे जाना पड़े, तो लोगों ने पूछा आप गाय को बचाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, तो गांधी ने जवाब दिया कि मैं गाय को बचाने के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर सकता हूं, मैं गाय को बचाने के लिए अपने प्राण दे सकता हूं। तो तब प्रश्न दूसरा आया कि अगर गाय को बचाने के लिए किसी का प्राण लेना हो, तो गांधी ने कहा कि अगर किसी के प्राण लेने पर गाय बच रही हो, तो फिर मैं गाय को कट जाने। यह प्रश्न एक है कि नो डाउट अबाउट इट कि लाखों करोड़ों लोगों की पीढ़ियों से गाय के प्रति आस्था है, गाय की रक्षा होनी भी चाहिए, और उसके लिए देश ने आजाद होते ही इसके लिए बहुत सारे कानून भी बनाए। मगर गाय की कॉज के ऊपर इंसान की निश्चिंतता से हत्या करना, मैं नहीं मानता हूं सभ्य समाज के अंदर कोई भी इसको उचित मान सकता है। और सच अगर पूछा जाए तो जो गाय के नाम पर इंसानों को जिंदा जला देने वाले लोग हैं, उन्होंने न तो इस देश का हित किया है और न ही उस समाज का जो हिंदू समाज के लिए कोई रोल रिप्रेजेंट करने की बात कहते हैं, न उन्होंने हिंदू समाज को रिप्रेजेंट किया है। क्योंकि अगर आप सनातन की बात करें, आप भारतीय परंपरा की बात करें, आप हिंदू धर्म की बात करें, तो वहाँ तो एक बात ये बिल्कुल अलग है। वहाँ पंडित की जो परिभाषा है, उस पंडित की परिभाषा के अंदर ये है कि आत्म सर्वभूतेषु सह पश्चित है पंडित है, कि जब हर प्राणी के अंदर अपना जैसा महसूस करने लग जाए तो वो पंडित है, तो वो सनातन है। नरसिंह मेहता ने एक बात कही थी, बहुत बड़े भक्त हुए, बहुत बड़े वैष्णव भक्त हुए, वो गांधी को भी बड़ा प्रिय भजन है कि वैष्णव जन तो तैने कही पीड़ पराई जाने रे, जो दूसरे की पीड़ा को समझे वही वैष्णव है, वही सनातन है, वही हिंदू है। आप लोगों को अगर आप जिंदा जला देते हैं, आप तस्वुर कीजिए, आप कल्पना कीजिए, अगर हमारी उंगली दो मिनट के अगर मोमबत्ती पै जाती तो कितनी पीड़ा होती, कितनी कष्ट होती है। आप सोचिएगा जुनैद और नासिर, भले उनका कोई भी अपराध रहा हो, उनको जिंदा जला देना, मैं मानता हूँ ये नरसंहार है। सभ्य समाज में इसकी जितनी आलोचना की जाए, मैं किसी भी ढंग से इसको आप स्वीकार नहीं कर सकते। ये बहुत ही एक जघन्य एक अपराध है। मुझे तो लगता है कि इस अपराध में नर पिशाचता है। अगर आप सनातन के आप दृष्टिकोण से अगर आप लें, तो इसमें मैं तो मानता हूं कि इसके लिए कोई स्पेस नहीं है। ये बिल्कुल इसकी जितनी क्रिटिसिज्म की जाए, तत्काल उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी ऐसी एग्जाम्पलरी सजा देनी चाहिए जिससे कि और लोगों को भी एक सबक मिले। हाँ, सरकार के लिए जरूर इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सरकार का ये काम है कि अगर गौ की अगर रक्षा करें, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी गौ रक्षा का कानून बना हुआ है, हरियाणा में भी बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, जिस अगर आप मेवात की बात करें तो या तो ये राजस्थान का हिस्सा है या हरियाणा का हिस्सा है, तो इन दोनों राज्यों के अंदर जब ये कानून बने हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको खुद को ही पुलिस सरकार को इस बारे में प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए था कि गौ तस्करी नहीं हो, गो तस्करी नहीं होनी चाहिए। मगर अगर किसी ने ये अपराध कारित कर भी लिया है, तो ये कानून का काम था। इसको किसी भी ढंग से जब आप इंसानों को जिंदा जला देते हैं, तो वो मैं मानता हूँ कि आप किसी भी धर्म का भला नहीं कर रहे होते, किसी भी समाज का भला नहीं कर रहे होते, और भारत की जो एक छवि है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो छवि है कि भारत एक बहुत ही एक अजीब मुल्क है, एक शानदार मुल्क है, जहाँ हर प्राणी के हकों के ऊपर, हकूकों के ऊपर लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो गाय की रक्षा हो वहाँ तक तो ठीक है, पर गाय की रक्षा के नाम के ऊपर इंसानों को जला देना नृशंस है, और उसको कहीं भी स्वीकृति नहीं है, कहीं भी स्वीकृति नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही सर आपने। लेकिन कट्टरता जब भी धर्म में आ जाती है, तो उस धर्म को खोखला कर देती है, उस समाज को खोखला कर देती है। आपको क्या लगता है, ये जो कट्टरता है, वो जो सोच उत्पन्न हुई है, उसको किस तरीके से समाप्त किया जा सकता है, और एक धर्म में कट्टरता होना
कितना सही है और कितना गलत है? देखिए नैतिक आप अंकित आपको ये बात समझना पड़ेगा कि वहां वही गलती हम कर रहे हैं। देखिए हमने देखा कि पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन होते हुए हमने देखा, या ईरान में जो हो रहा है उसको हमने देखा, या सीरिया में जो हो रहा है उसको हमने देखा, कि अगर इस्लाम का अगर रेडिकलाइजेशन हुआ है तो आपने देखा है पिछले 50-60 साल के अंदर कितने इंसानों की, जो क्योंकि इंसान की जो जिंदगी वो सबसे कीमती होती है, तो उसका आपने दुष्परिणाम देखा है। आप पड़ोस में पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, आप अफगानिस्तान में देख रहे हैं, आप ईरान में देख रहे हैं, आप इराक में आपने अभी भी देखा इस्लामिक स्टेट वहां क्या कर रहा था, सीरिया में आप देख रहे हैं, तुर्की के अंदर आप देख रहे हैं बॉर्डरिंग जगहों के ऊपर। अब आप क्यों चाहते हैं कि इंडिया जो एक अमन का गहवारा है, एक शांति का जो घर है, और पूरी दुनिया ये मानती है कि इस दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत एक मुल्क है जहाँ सदियों से लोग बाग एक दूसरे से प्रेम के साथ रह रहे हैं, अगर हम इसको भी अगर वैसा ही बना देंगे तो हम वही भूल कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस्लामिस्ट रेडिकल लोगों ने की है। मैं मानता हूँ कि जो सनातन है, जो हिंदू धर्म है, जो जो उसके अंदर जो उदारता है, जो सहिष्णुता है, और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए आपको ये बात और मैं बता देता हूँ कि हिंदू धर्म की जो ताकत है वो लोगों की हत्या में नहीं है, हत्याओं को क्षमा करने के अंदर है। लोगों को अगर आप जो एक मैं पुराना एक नीति शास्त्र का एक कानून वो एक श्लोक आपको सुनाना चाहूंगा कि अयम निजम परो इति नाम गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, कि जो पूरी दुनिया को अपना कुटुंब मानता हो वो कैसे किसी से घृणा कर सकता है। ईश्वाशोपनिषद भी यही बात कहता है कि आत्मा एव पश्चते, तो जो खुद के जैसा सबको मानने लगता है तो उसमें किसमें जो गुप्सा हो ही नहीं सकती, किसी के लिए घृणा नहीं हो सकती है। तो आप ये बताइए, जब वेद तो ये बात कह रहे हैं कि आप हर प्राणी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझें, गीता ये बात करी यो माम पश्चति सर्वत्र सर्वमयी पश्चति, कि जो मुझमें सबको और सब में मुझको देखने लगता है मैं उससे अदृश्य नहीं होता, तो गीता ये कह रही है, वेद ये कह रहे हैं। मैंने नरसिंह मेहता को अभी भी कोट किया, मैंने महानतम गई शताब्दी का जो हिंदू है गांधी उसको मैंने कोट किया, वो कहते हैं खुद के प्राण देखे तो गाय बचाने की कोशिश करूंगा, मगर किसी के प्राण अगर लेने पड़े तो फिर मैं गाय को कट जाने। तो जहां इतनी उदार परंपरा रही हो, 5000 साल की हमारी इतनी उदार परंपरा, मुझे पता नहीं किसकी नजर लग गई है, और कम से कम हम उन्हें उन युवाओं को जो ये सब कर रहे हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाएं, उन्हें बताएं कि ट्रू सेंस में हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म क्षमा है, हिंदू धर्म दमन है, हिंदू धर्म दूसरे को इन्फिनिट प्यार करने की क्षमता है। और अगर इसके बजाय अगर हम गौ हत्या के नाम के ऊपर लोगों को जिंदा जला रहे हैं तो मैं आपको सही कह रहा हूं कि आप इस धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं, इस देश को बदनाम कर रहे हैं। हमारे देश के लिए जो पूरी दुनिया के अंदर एक रोमांटिसिज्म है, हम उस रोमांटिसिज्म को खत्म कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है, और ये चीजें नहीं हो इसके लिए सरकार को बहुत प्रोएक्टिव होना चाहिए और बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, और हमें बिल्कुल इस ढंग की जो हिंसा है इसको बिल्कुल नो नो और नो कहना। बिल्कुल सही का सही बात कही सुनील जी आपने, लेकिन एक चीज़ देखी गई है वो ये कि अवेयरनेस की कमी है, और कहीं ना कहीं अवेयरनेस ही है जो पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है और इसी चीज़ का जो फ़ायदा है हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी उठाती है अपने वोट बैंक के थ्रू। आपको लगता अवेयरनेस की जो कमी है इसको किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं ताकि यूथ, स्पेशली अगर हम यूथ की बात करें तो यूथ में एक अवेयरनेस आए और जो समाज में ये जो कुरीतियां हो रही है वो नहीं। नहीं अंकित बात एक है, वोटों के थैले बनाने की बात की जा रही है, और जो सबसे बड़ा वोटों का थैला है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये हिंदुस्तान है 80% लोग एक ही धर्म को मानने वाले हैं, तो अगर इनका थैला सबसे बड़ा बना लिया जाए तो फिर लगातार आपसे एक सतत सत्ता के अंदर आप रह सकते हैं, और शायद कुछ लोगों को यही जो सत्ता का जो समीकरण है वो उनको लुभा रहा है कि अगर आप ये कर देंगे। आप दिलचस्प बात देखिए ना, जिस मुल्क के अंदर 80% लोग एक धर्म के लोग हैं वहाँ आज कई बार एक कही जाती है कि हिंदू खतरे में है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ साल पहले यही बात मुसलमान कहा करते थे, मुसलमान खतरे में। आप ये सोचिए, आप कल्पना कीजिएगा कि 110 करोड़ लोगों को किसका खतरा हो सकता है, और वो भी 110 करोड़ लोग जो कि जो जिनका साइंटिफिक टेम्परामेंट आज पूरी दुनिया महसूस कर रही है, जिनकी ताकत को सिलिकॉन वैली भी महसूस कर रही है, जिनके जिसमें से कुछ जो बाशिंद कुछ लोग हैं उनमें से इंग्लैंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं,
दुनिया के सारे बड़ी आप कंपनीज को देखिए, वहाँ सीईओ बने बैठे हैं और उनको भी अगर आप भयभीत करके अकेले वोटों का थैला बनाने के जा रहे हैं, तो बेसिक बात है कि इसमें वोटों के थैला बनाना एक ज़्यादा बड़ी बात है कि पोलराइजेशन किया जाए, पोलराइजेशन के नाम के ऊपर अपनी सत्ता को आप लगातार उसको आप एडजस्ट कर लें, आप उसको लगातार सत्ता को बनाए रखें। मगर दुख की बात कल एक है कि इस कॉस्ट पे ह्यूमन लाइफ जब आप खत्म करते हैं, आप जब जुनैद को जिंदा जला देते हैं, जब आप नासिर को जिंदा जला देते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा वो भी आखिरकार इंसान है, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी अपने बच्चे हैं, उनकी भी अपनी बहन है, भाई है। तो हकीकत में जब कोई इंसान मरता है तो एक बेटा मरता है, एक पति मरता है, एक एक पिता मरता है, एक पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। और जब हम ये काम करते हैं तो तभी तो कहते हैं ना कि भाई एक इंसान के अंदर ही देवता भी होता है और राक्षस भी होता है। जब आप एक परिवार को खत्म कर देते हैं तो मैं मानता हूँ वो डिवाइन नहीं है, वो पैशाचिक है, वो एक राक्षसी वृत्ति है। और इससे कम से कम सनातन जो कहते हैं हम सनातनी हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए। बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही सुनील जी। जाते जाते आप हमारे युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी जो है वो हमारे युवाओं में ज़्यादा है, क्योंकि हमारा देश भी युवा है, तो जाते जाते हमारे युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहूँगा कि वो सनातन को अच्छी तरह समझे, इस देश को समझे, इस देश की परंपरा को समझे, उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को समझे, वेदों के उस घोष को समझे जो कहता है कि आत्मा एव पश्यति, कि सब में खुद का जैसा मानो। और जो खुद का जैसा ही जब मानने लगते हैं तो ही हम के अंदर हमारे में पांडित्य उपलब्ध होता है, तभी हम में वो जो पंडा है, जो राइट, जो पंडा जो बुद्धि का एक प्रकार है कि जो सच और गलत को जुडिशियसली एवेल्युएट करने की जो कॉम्पिटेंस है वो डेवलप करता है। तो मैं युवाओं को केवल एक ही बात कहूँगा, पढ़िए, वास्तव में पढ़िए कि आपकी रूट्स क्या है, पढ़िए कि आपकी संस्कार क्या है, पढ़िए कि आपकी संस्कृति क्या है, पढ़िए कि आपका धर्म क्या है। और दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। ये तुलसीदास ने आज से 500 साल पहले जो बात कही थी, मैं वापस से कहूँगा युवाओं के लिए कि वो अपने घट के अंदर दया को उत्पन्न करें, और यही धर्म का मूल है। वाह, बहुत खूबसूरत बात आपने कही सुनील जी। अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। थैंक यू। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।